आने वाली है। राम राम से रोकना नहीं, जान दे जान दे। चढ़ गई आंदा सर, ब्रेक नहीं मार रहा, जान दो। गई भाई साहब। और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी फिलहाल चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी का राइड का प्लान है हमारा पीर गली का, तो देखते हैं कितने एपिसोड बनते हैं। तो ये अभी का फर्स्ट एपिसोड है, तो निकलते हैं यहाँ से। अभी फ्रेंड्स आ रहे हैं कुछ, उनका वेट कर रहा हूँ। तो 8 बज चुके हैं यहाँ पे, तो निकलते हैं। जब तक वो पहुँचते तब तक उनका वेट कर रहा हूँ, वो पहुँचे तो फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस फिलहाल मेरे दोस्त आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने लगे। अभी तो मेरी बाइक में फ्यू फिर उस मुंडी से देख। सो गाइस फिलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो आगे की जर्नी देखते हैं क्या होता, कैसी रहती आज की जर्नी। तो अभी फिलहाल मेरा फ्यूल भी बहुत कम है। यहाँ से सुनकोट तक पहुँच गए, तो वहाँ से आगे हम इसको भी फुल करवा लेंगे। अभी फ़िलहाल हम हैं 3 राइडर, पहले आ गया माजिद, उसके बाद आ गया अपना तनवीर भाई। तो पीछे से तो ट्रिपलिंग करके आए, यहाँ से मेरा दोस्त मेरे साथ हो गया, तो एक्स्ट्रा पिलियन हो गया, हम तीनों बाइकों पे पिलियन ही। तो अभी के लिए ये है कि यार आ चुके हैं अभी ऐसे जंगल में, तो बाकी राइडर मेरे चल रहे हैं आगे, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया था, तो अभी उनके साथ टाइम कवर करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता। तो आज की राइड ना मस्त होने वाली है। तो होप गाइस कि आज की राइड आपको पसंद आए। तो बाकी राइडर ना एक ही स्पीड पे, लिमिटेड स्पीड रखी हुई है सब ने, तो फर्स्ट क्लास तरीके से जा रहे हैं, ना कोई ड्रैग रेस हो रही है ना कुछ, मैं नहीं जानता। बट ये बंदे रेडी थे, तो एक बंदे के लिए मैंने स्पेशली कहा था कि यार जब भी तू राइड का प्लान करेगा ना, मैं तेरे साथ रेडी हूँ। तो फिलहाल आज हम राइड पर निकल चुके हैं। क्या था यार, कहाँ जब ओवरटेक भी ना देख के नहीं कर सकते यार, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कभी रॉन्ग साइड बंदा फेस के आ गया और बाइक कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। और बंदे ने ना अपनी साइड से बहुत ही बाहर लेके चला गया बाइक, तब जाके बाइक कंट्रोल हुई है, अदरवाइज बाइक कंट्रोल होना ही मुश्किल था भाई। बट उस बंदे की वजह से नहीं हुआ, दोस्त की वजह से क्रैश हुआ, तो उस बंदे की राइड भी इसी वजह से कैंसिल हुई है, नहीं तो अदरवाइज वो बंदा भी राइड पे चलता। बट ये रीज़न था एक मेन, जो बड़ा जिस वजह से उस बंदे की राइड का प्लान कैंसिल हुआ है। तो सिंगल पर्सन को करेंगे हम, एक दूसरे से ओवरटेक नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे हो चुका है किसी का टायर पंचर, तो लोगों को चाहिए यार गाड़ी साइड कर लो, सेंटर में गाड़ी रोक के आप जो भी बात करते हो यार, वो आप बाकी वालों को डिस्टर्बिंग क्रिएट कर रहे हो। बट अभी तक के लिए ना यहाँ तक मौसम बहुत ही मस्त रहा गाइस, तो ये मोड़ इतना डेंजर था भाई, इतना डेंजर, मतलब यहाँ से स्पीड में कोई आए तो भाई बड़ा रिस्क है यार स्पीड में आने का। भाई साहब मेरे पीछे जो बंदा बैठा हो ना भाई, इसकी फट रही है, पता नहीं क्यों किस वजह से फट रही है, तो आई डोंट नो। तो यहाँ पे लग चुका है जाम हो भाई साहब, तो फिलहाल के लिए ना गाइस ये है हमारा 220 राइडर। तो वो रास्ता भूल गए भाई, यहाँ से अंदर टर्न हो रहा था, वो वहाँ से सीधा सीधा आ गया, अभी उनको मैं हॉर्न भी मार रहा था कि। सो गाइस फिलहाल ट्रैफिक देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा भाई, और जाम देख लो कितना भाई साहब, भाई साहब इतना जाम। ओ भाई सब ये रहे हमारे राइडर बाकी, और दोनों ने हेलमेट पहना हुआ भाई, क्या बात है, इसको बोलते हैं राइड भाई, सेफली राइड, राइड करनी ना तो सेफली करो भाई, देख सकते हो हमारे दो राइडर। तो अभी यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो भाई साहब देख सकते हो यार, भाई साहब फिलहाल यहाँ पे है धूल, और यार यहाँ का नज़ारा देखो भाई, क्या ओपी व्यू आ रहा है यार, मतलब मैं सोच रहा हूँ पहले चलते हैं दरिया पे नहा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आगे। ओ भाई आगे ये हाल हो रही है भाई ऑफ रोडिंग की, देख लो भाई, ओ भाई साहब
भाई साहब आगे वाले बंदे ने तो हेलमेट नहीं पहना इसकी हाथ। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम बफलियाज ब्रिज। तो ये देख सकते हो मेरी राइडर टीम, और अभी यहाँ से निकलते हैं, मैं करने लगा हूँ बाइक एक्सचेंज। माजिद भाई तो गाइस फिलहाल मैं जो निकल चुका हूँ यहाँ से और बाकी राइडर हैं आगे। मैंने सोचा क्यों ना कि मैं अपने दोस्त की बाइक ड्राइव करूँ। तो अभी रोड भी यहाँ की ना भाई एकदम ओपी लेवल की रोड है भाई, क्या बात है यार। मतलब एक साल बाद आने में ना कुछ डिफरेंस दिखा इस रोड में। इससे पीछे से थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आ गई थी, वो भी सिंगल लिंक, तो उसने थोड़ा सा तंग किया था। अभी मतलब ना अपना मज़ा आ रहा है यार ड्राइव का भी, और कसम से ना बाइक वैसे तो हमने खींचनी है नहीं है, फिलहाल ये रही अपनी बिल्लो रानी। भाई साहब क्या मज़ा यार, तो मतलब एक नंबर का व्यू और एक नंबर बाइक चल रही ना ऐसे स्मूथ तरीके से ना इस रोड में भाई। और हमने पहुंचना है वहाँ पे, और कब तक पहुंचना है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो भाई साहब मान ही नहीं रहे राइडर यार, तो मतलब ना अलग सी फीलिंग आती है यार जब मतलब राइडर हमारे साथ कहीं राइड पे निकलते हैं भाई। तो अभी तक के लिए ना मज़ा आ रहा है भाई राइड करने का, और ये बाइक है न्यू, इसको खींचने का भी मज़ा आता है भाई। तो मेरा दोस्त तो मान ही नहीं रहा भाई, देख सकते हो भाई साहब मतलब रोड है ना, जो रोड ने रोड लाल जवाब है भाई। ये बेस्ट किया उन्होंने कि यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक प्लेस है और कहीं से भी कोई भाई अप डाउन कर सकता, तो यहाँ पे इन्होंने स्पीड ब्रेकर बना लिया भाई। R15 है जहाँ देखो ना, अगर खड़ी भी बाइक है ना भाई एकदम ओपी लगती है, ओपी भाई क्या बात है। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, पहले करते हैं कुछ खाने पीने का इंतजाम और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अभी फिलहाल बहुत से राइडर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, तो फिलहाल ये बुलेट वाले भैया हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ से पीर गली के लिए। तो आगे चलते हैं फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सो गाइस फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा लिया था हमने रेस्ट ब्रेक, तो अभी फिलहाल मैं चलाऊंगा 220 और बाकी राइडर हैं ये हमारे दो। तो अब निकलते हैं यहाँ से, फिलहाल देखते हैं आगे का प्लान क्या होता। सो गाइस फिलहाल मैं चलाने लगा हूँ 220। तो भाई साहब यहाँ का व्यू देखो यार, मतलब कितना ओपी व्यू और कितना तगड़ा व्यू आ रहा है यार, मतलब ना एकदम ऑसम व्यू आ रहा है। और बाकी राइडर है मेरे आगे, तो हमने एक जगह से खाना पैक करवाया और फिलहाल वहाँ से हम रुके नहीं। तो ये एक है हमारे दो राइडर यहाँ पे जा रहे हैं, और एक राइडर है जो मेरी बाइक चला रहा है वो है आगे। तो बाइक ना भाई साहब चढ़ने में ना मतलब 220 है, इसकी तो बात ही नहीं की जा सकती, मतलब क्या तगड़ी लग रही है यार। पता नहीं कोई चला रहा तब मुझे अच्छी लग रही है, तब भी अच्छी लग रही है, बट ना भाई बहुत प्यार आ रहा है जिस पे पता नहीं क्यों आ रहा है इतना। नज़ारा देखो भाई क्या यार, कहाँ से रोड निकाली है ना इन्होंने, अब सोच नहीं सकते भाई साहब। ओपी लीन हो रही है यार, देख लो भाई लीन का तो जवाब ही नहीं है ना इस गाड़ी का। सो गाइस फिलहाल यहाँ का रीज़न देखो, और ये रहे हमारे दो राइडर्स
जो इतनी ओपी राइड कर रहे हैं ना भाई, बता नहीं सकता। ओ भाई साहब, देखते हैं क्या होता है भाई साहब। अपनी बिल्लो रानी तो जा रही है आगे भाई, तो जितनी तारीफ की जाए ना यहाँ की, इस जगह की भाई, उतनी ही कम है भाई, उतनी ही कम। और भाई ऊपर से इस बाइक की क्या तारीफ की जा सकती है, 220 की भाई। यहाँ पे आज भाई जन्नत है भाई, यहाँ पे जन्नत। बेशक सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं वो बाद की बात है, लेकिन जो यहाँ पे नज़ारा ना भाई, जो जगह है इतनी प्यारी प्यारी सी और इतनी शांति, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता भाई कैसा फील होता है यहाँ पे आके ना। तो मतलब समवन स्पेशल, मतलब कुछ किस्मत वाले लोग हैं जो यहाँ पे ऐसी जगह पे बिलोंग करते हैं भाई। सो गाइस फिलहाल पहुँच चुके हैं यहाँ पे, आई डोंट नो कौन सी जगह है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और होप गाइस के बाइकर्स को आगे जाने दें, वरना हम बहुत ही पीछे हो जाएंगे। सो गाइस फिलहाल जाम हो चुका है क्लियर, तो भाई मेरे आगे जा रही है जिप्सी भाई। अभी हम आपको बताएंगे इनका व्यू भाई, देख लो भाई क्या ओपी लग रही है भाई, मतलब ना एक नंबर व्यू भाई। ओ भाई ओपी यार, मतलब ना लुक देखो भाई गाड़ी, मतलब क्या आवाज़ है भाई, मतलब एक नंबर आवाज़ है भाई, एक नंबर। अभी मैं कोशिश करूँगा इसके साथ चलने की, फिलहाल होते हैं इससे आगे तो सैर कर भी बताते हैं आपको इसका, देख लो भाई साहब। देखो भाई साहब जिप्सी, देखो भाई क्या बात है, ओपी लुक ब्रो, मतलब मैं बंदे की जिप्सी को घूर रहा हूँ और बंदा मुझे घूर रहा है, मतलब ना एक नंबर है भाई, एक नंबर। यहाँ पे एक फोटो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा भैया, फोटो शूट कर लें जिप्सियों पे, फोटो शूट कर लें। तो भाई इसका देखो भाई क्या, मतलब कितनी तगड़ी लग रही है, वो भी रेड कलर की बाइक की दिलगा, फोटो शूट कर लेते हैं एक, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे करते हैं पहले फोटो शूट, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो देखते हैं आगे का क्या सीन होता। तो अब मोड़ में ना यही कुछ हो रहा है भाई, यही भाई साहब सर्दी लगना शुरू हो गई है और हमारी बाइकें वो जा रही हैं भाई, मतलब मोड़ ऑफ कर देते हैं भाई। एक नंबर दौड़ रही है बाइक, अब दौड़ना लगी है भाई, क्योंकि थोड़ी सी फ्लैट जगह है। ओ भाई साहब ये क्या है, ये क्या भाई, क्या खोद चुके हो भाई आप। अब लगा लो भाई, लगा लो भाई, दौड़ा लो। मतलब बाइक धोने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाइक फिर से वैसी हो जाएगी गंदी। सो गाइस फिलहाल मैं चढ़ चुका हूँ यहाँ पे, और भाई साहब यहाँ का नज़ारा देखो भाई, पूरे के पूरे सात मोड़ दिख रहे हैं भाई। पहले सुना था कि यहाँ पे सात मोड़ हैं, अब मेरे को यकीन हो गया भाई यहाँ पे वाकई में सात मोड़ हैं। और भाई क्या ओपी लेवल भी आ रहा है, अब वहाँ पहुँचते हैं पीर गली सीधा, तो वहाँ से आगे देखते हैं क्या प्लान बनता, यहाँ से चलते हैं पहले भाई साहब। भाई कितना ओपी लेवल का व्यू आ रहा है भाई साहब, मतलब ना जहाँ की हम उम्मीद लेके आए थे ना वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गाइस। तो फिलहाल
कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, तो भाई देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा फिलहाल यहाँ पे। बाकी राइडर मेरे पहुँच चुके हैं, तो अब लगाते हैं पहले बाइक साइड पे। और मौसम थोड़ा सा हो चुका है ख़राब। सो गाइस फिलहाल यहाँ का फेमस है कावा, तो मैक्सिमम ये लोग कुछ पी रहे हैं, तो हम भी। सो गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे पी रहे हैं सारे कावा, यहाँ का कावा बहुत फेमस है गाइस, तो अभी यहाँ से पीते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब क्या बात है। सो गाइस फिलहाल यहाँ से बाइकें चढ़ाने लगे हम ऊपर, तो देखते हैं क्या सीन बनता। पहली बाइक 220 आने वाली है। राम राम से रोकना नहीं, जान दे चढ़ गई आंदे सर, ब्रेक नहीं मार रहा, जान दो गई भाई साहब। और भाई क्या ना ओपी नजारा आ रहा भाई, ओ भाई मतलब यहाँ पे ना भाई। सो होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड का एंड होने वाला है और पीछे इन सब की होने लगी है पार्टी, और अब नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।